स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर इमेज इंसर्शन। तो सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं, जो क्या डिफाइन करता है कि हमारे यहाँ HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग हुई है। इसके बाद हमने हेड टैग यहाँ लिखा है। हेड टैग हमारा हेडर सेक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर हम अपने टाइटल को डिफाइन करते हैं। टाइटल के अंदर मैंने अपने टाइटल का नेम दिया है इमेज इंसर्शन। टाइटल हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्राम। आफ्टर दैट मैंने अपने हेडर सेक्शन को यहाँ क्लोज किया है। फिर मैंने बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया है। बॉडी सेक्शन के अंदर हम जो भी प्रोग्राम या लिखते हैं, जो भी कोड हम लिखते हैं, वो हमारा ब्राउज़र डिस्प्ले कराता है। तो बॉडी टैग के अंदर आप कोई भी टैग अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट किया है पी टैग से। उसके बाद मैं जो भी यहाँ लाइन लिख रही हूँ, उसके लिए मैं यहाँ बोल्ड टैग यूज़ कर रही हूँ। बोल्ड मीन्स मैं इस लाइन को डार्क में चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ बोल्ड टैग का यूज़ किया है। बी टैग स्टैंड फॉर बोल्ड टैग। आप यहाँ स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ और लाइन लिखना चाहते हैं, वो ब्रेक करके और भी लाइन्स लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ अपने पैराग्राफ को क्लोज किया है। आफ्टर दैट मैं यहाँ एक इमेज चाहती हूँ। इमेज के लिए मैंने IMG टैग स्टार्ट किया है। यहाँ पर IMG टैग के अंदर मैंने SRC एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन किया है। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। सोर्स के अंदर हम अपनी इमेज का पाथ देंगे। पाथ दो तरह से दे सकते हैं। अगर आपकी जो इमेज है वो सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे सेव है, तो वो हम इमेज की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा करके इमेज का पाथ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी इमेज जिस फोल्डर में आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, आपकी इमेज रखी है, फॉर एग्जाम्पल इस HTML फोल्डर में ही मेरी इमेज रखी है, जैसे कि मैं कार्टून की इमेज का यूज़ कर रही हूँ, तो सिंपल मैं ये कार्टून की इमेज का नेम cartoon.jpg एक्सटेंशन की मेरी ये इमेज है, तो मैं cartoon.jpg सिंपली लिख सकती हूँ अगर मैं अपने प्रोग्राम को उसी फोल्डर में सेव करूँगी। तो देखिए मैंने cartoon.jpg लिख दिया है। आफ्टर दैट मैंने अपने बॉडी सेक्शन को क्लोज किया है एंड HTML को क्लोज किया है। अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ। फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अगर ये आपके ऑलरेडी पहले सेव है तो आप सेव एज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको HTML फोल्डर, जो कि मेरा यहाँ पर सिलेक्टेड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको किस नेम से चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे इमेज इंसर्शन, फाइल का नाम मेरा इमेज इंसर्शन है .html, हम एक्सटेंशन दूंगी HTML प्रोग्राम्स के लिए, और इसे सेव कर देती हूँ। तो मैं चेक करती हूँ, देखिए इमेज इंसर्शन मेरा प्रोग्राम HTML फोल्डर के अंदर सेव हो गया है। जैसे इसमें डबल क्लिक करूँगी तो देखिए मेरा ये आउटपुट आया है। यहाँ पर मेरा वेब पेज इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले मैंने पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग में दिस इज अ स्माइलिंग कार्टून लिखा था, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने एक इमेज इंसर्ट की थी कार्टून की, वो आपको यहाँ शो हो रही है। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी इमेज को राइट में चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपने कोड के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। अलाइनमेंट आप राइट दे सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट दिस इमेज एट द सेंटर, देन यू कैन यूज़ मिडल एट्रीब्यूट इन द मिडल वैल्यू इन द अलाइन एट्रीब्यूट। तो इस तरह से आप अपनी इमेज की अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज की विड्थ एंड हाइट भी सेट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके इमेज के अंदर। और अगर आप देखिए, जब मैं अपने कर्सर को इस इमेज के ऊपर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कुछ लिखा हुआ है, इस पिक्चर का नेम लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं ऑल्ट टैग का ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करती हूँ इनसाइड द इमेज टैग। तो हम इसको करके देखते हैं। देखिए पहले इसी प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने अपने इसी प्रोग्राम में मैं अलाइनमेंट कर रही हूँ। अलाइन इसकी मैं चाहती हूँ इमेज मेरी राइट साइड पे आए, तो अलाइन इज इक्वल टू राइट लिखेंगे, क्योंकि मैं अपनी इमेज कहाँ चाहती हूँ, राइट साइड पे चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ इसकी विड्थ जो है इमेज की, वो कितनी हो 150, हाइट इसकी हो 100, इज इक्वल टू में हम 100 लिख देंगे। और मैं चाहती हूँ जब मैं इस इमेज पर कर्सर को लेके जाऊँ, तो वहाँ कुछ नेम लिखा हुआ है कार्टून का, तो मैं ऑल्ट इज इक्वल टू स्माइलिंग कार्टून नेम चाहती हूँ लिखा हुआ है इमेज पे,
तो इस तरह से मैं चाहती हूँ, मैं इसको सेव करती हूँ, दोबारा से इसको रन करेंगे। देखिए अब आपकी इमेज आपको राइट साइड पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट कहाँ करी है, राइट साइड करी है, और इसकी विड्थ एंड मैंने हाइट सेट करी है। देखिए पहले से ही थोड़ी छोटी इमेज आ रही है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ एंड हाइट को थोड़ा सा स्मॉलर किया पहले के कंपैरिजन में। और जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगी तो देखिए स्माइलिंग कार्टून लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि स्माइलिंग कार्टून जो लिखा हुआ आ रहा है कैसे आ रहा है, स्माइलिंग कार्टून ऑल्ट एट्रीब्यूट की वजह से आ रहा है, जो मैंने HTML में इमेज टैग के अंदर यूज़ किया था। ओके तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रोग्राम विल यू लर्न। सो अब हम अपनी बुक का जो प्रोग्राम है उसको समझते हैं। बुक में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ नोटपैड प्लस प्लस में कॉपी किया है। आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस कोई भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस इज़ द अपर वर्जन ऑफ नोटपैड। देखिए सबसे पहले हमारा HTML टैग मैंने यहाँ लिखा है, दैट डिफाइन द स्टार्टिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। हेडर सेक्शन के अंदर टाइटल डिफाइन किया है, माई फर्स्ट वेब पेज। एंड बॉडी के अंदर मैं हेडिंग टैग का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे H1, दैट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग। और मैं चाहती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज सबसे पहले वेब पेज पर लिखा हुआ है ऊपर ऊपर, और लार्जेस्ट हेडिंग में लिखा हुआ है, तो इसके लिए H1 टैग यहाँ यूज़ किया है। और एट्रीब्यूट मैंने इसका सेट किया है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी कि मैं चाहती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज सेंटर में लिखा हुआ है, तो इसके लिए अलाइनमेंट कहाँ सेट किया है मैंने, सेंटर पर। फिर मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, आई एम राइटिंग दिस पेज यूजिंग अ टेक्स्ट एंड प्लेन ओल्ड HTML। मैंने पैराग्राफ को यहाँ क्लोज किया है। उसके बाद मैं एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ, दोबारा से मैंने PTEX स्टार्ट किया है। बाई लर्निंग HTML आई विल बी एबल टू क्रिएट वेब पेज लाइक अ प्रो। यहाँ मैंने ब्रेक टैग का यूज़ किया है, ब्रेक से हमारे ये जो विच आई एम ऑफ कोर्स है ये नेक्स्ट लाइन में आपको शो होगा। यहाँ पर मैंने कमेंट लगाया है, कमेंट आपका ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता है, ये सिर्फ यूज़र्स की रीडेबिलिटी और यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ लिखते हैं। सो अच्छा होता है कि अगर हम कमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम कोई भी दूसरा पर्सन देखेगा तो उसको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही और आपने कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं तो उसको उस लाइन का मीनिंग समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने कमेंट में कुछ लिखा है, हु वुड हैव गेस्ड हाउ ईजी दिस वुड बी, तो इस तरह से मैं कमेंट लिखा है, ये आपका ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा। फिर मैं ब्रेक टैग का यहाँ यूज़ कर रही हूँ, BR टैग मीन्स ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक के लिए होता है। मैं एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन लिख रही हूँ, दिस इज़ माई शेफ, और शेफ को मैं चाहती हूँ दिस इज़ माई शेफ सेंटर में लिखा हुआ है, तो मैं अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर सेट की है। देखिए एट्रीब्यूट जब भी हम देते हैं तो वो ओपनिंग, जब हम टैग की ओपनिंग करते हैं तभी हम लिखते हैं। इसके बाद मैं चाहती हूँ इमेज लिखी हुई आए, तो IMG टैग का मैंने यहाँ यूज़ किया है। IMG के अंदर SRC एट्रीब्यूट दिया है, जहाँ पर हम अपनी लोकेशन बताएंगे इमेज की। देखिए जब हमारा इमेज उसी फोल्डर में सेव होती है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दी है। अलाइन में चाहती हूँ मेरी इमेज राइट पे आए, तो अलाइन इज इक्वल टू राइट लिखा है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होती है, लेफ्ट साइड ही होती है। अगर आप अलाइन इज इक्वल टू राइट नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड पे ही इमेज आएगी। विड्थ और हाइट मैंने सेट की अपनी इमेज की, और ऑल्ट में कि मैं चाहती हूँ मैं कर्सर जब इमेज पे लेके आऊँ तो स्माइलिंग कार्टून लिखा हुआ है, तो मैंने ऑल्ट के अंदर लिख दिया है। बॉडी टैग को यहाँ क्लोज कर रही हूँ और HTML को यहाँ क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करती हैं। इस प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है इमेज के नाम से, तो ठीक है इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इमेज प्रोग्राम को देखिए, माई फर्स्ट वेब पेज मैंने H1 हेडिंग में लिखा था, लार्जेस्ट हेडिंग के अंदर आपको सेंटर मैंने अलाइनमेंट दी थी तो सेंटर में शो रहा है। इसके बाद मैंने दो पैराग्राफ्स लिखे थे, पहला पैराग्राफ ये लिखा था, इसके बाद ब्रेक करके दोबारा से पैराग्राफ लिखा था तो यहाँ शो हो रहा है, और विच आई एम ऑफ कोर्स ब्रेक टैग लगा के लिखा था तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इसके बाद दिस इज माई शेफ मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा था और उसकी अलाइनमेंट सेंटर दी थी, इसलिए आपको ये सेंटर में शो हो रहा है। इमेज को मैंने राइट अलाइनमेंट पर लगाया था, इस वजह से इमेज आपकी राइट साइड पर शो हो रही है, और जैसे ही मैं इस इमेज में जा रही हूँ तो स्माइलिंग कार्टून लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने इमेज टैग के अंदर ऑल टैग का यूज़ किया था। अगर आप यहाँ से अलाइन इज इक्वल टू राइट हटा देते हैं, सेव कर रही हूँ मैं इसे, दोबारा से रन करती हूँ, तो देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इमेज ये मूव करे तो इसके लिए एक न्यू टैग मैं आपको बता रही हूँ, जबकि बुक में नहीं बताया हुआ अभी, मार्क्यू टैग हमारा होता है। आपकी इमेज
स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज जो है वो मूव करती हुई आए, तो मैंने इसके लिए इमेज टैग के आगे मार्क्यू टैग का यूज़ किया है। मार्क्यू टैग जो होता है हमारी इमेज की मूवमेंट के लिए होता है, राइट टू लेफ्ट। मैंने यहाँ मार्क्यू टैग का इमेज टैग से पहले यूज़ किया है। अगर मैं अपनी इमेज क्लास में मैंने इमेज टैग के बाद अपने मार्क्यू टैग को यहाँ क्लोज किया है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा जो वेब पेज है वो पिंक कलर का बैकग्राउंड शो हो, तो मैंने बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक लिखा है। तो इससे मेरा जो बैकग्राउंड है इमेज का, इमेज का नहीं, मेरे पूरे वेब पेज का, वो पिंक कलर का आपको शो होगा। तो मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, अब मेरा बैकग्राउंड आपको पिंक कलर का यहाँ शो हो रहा है, और इमेज मूव करती हुई आ रही है राइट टू लेफ्ट। ये कैसे इमेज मूव कर रही है राइट टू लेफ्ट? क्योंकि हमने इमेज टैग से पहले एक मार्क्यू टैग जो होता है मूवमेंट के लिए इमेज की, उसका यूज़ यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो है वो मूवमेंट कर रही है राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस सेशन, हाउ टू इंसर्ट इमेज ऑन योर वेब पेज। सो विच टैग वी हैव यूज फॉर इंसर्टिंग इमेज? IMG tag, and which attribute? SRC for defining the location of that image. If you want to set width or height, then you can use attributes width and height. And if you want, the name is also displayed on this, so you use alt tag. Okay class, thank you.